वालेकुम कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं आप लोगों की दुआएं हैं तो जी आज बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रसमलाई और ये फरमाइश की है मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड ने तो उन्होंने मुझे कहा है कि सिस्टर आप मुझे रसमलाई की रेसिपी दें तो स्पेशली मैं अपनी फ्रेंड के लिए ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा स्किप नहीं कीजिएगा बहुत अच्छी जबरदस्ती सी और आसान सी रेसिपी आपको दे रही हूँ रस की तो आए चले चलते हैं वीडियो की तरफ और हम बनाते हैं आज अपनी मज़ेदार सी रसमलाई तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक किलो दूध और इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसमें फ़ोर टू फाइव टेबल स्पून डाले हैं शुगर के आप अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं और इसको हम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन पैंतालीस मिनट के लिए और यहाँ एक और पैन लिया है मैंने उसमें भी मैंने एक किलो दूध ले लिया है और इसको भी मैं बॉईल कर लूँगी दो किलो दूध यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक किलो दूध का मैंने लिक्विड बनाना है रसमलाई के लिए और बाकी का एक किलो दूध है उसका मैंने रसमलाई की बॉल्स रेडी करनी है दूध में बॉयल आ चुका है इसमें मैं टू टेबल स्पून भर के सिरके का डाल दूँगी आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पंद्रह से बीस मिनट में दूध फट जाएगा और आपसे मिलती हूँ मैं बीस मिनट के बाद तो जी बीस मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूध का पानी अलग हो चुका है दूध फट चुका है और अब हम इसको एक मलमल के कपड़े में छान लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है और मलमल का कपड़ा लिया है तो इसको मैं इसमें स्ट्रेंड कर लूंगी थोड़ा सा हम इस पर ठंडा पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए और मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से इसको मैं प्रेस कर लूँगी और कुछ देर के लिए कहीं भी किसी भी जगह पे इसको हम हैंग कर देंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी भी इसका सेपरेट हो जाए तो जी सारा पानी इसका सेपरेट हो चुका है और अब इसको मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी और अच्छे से इसको रब कर लूँगी हाथों की मदद से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अब हम इसका शीरा रेडी कर लेते हैं यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने चार कप पानी डाला है और आधा कप इसमें चीनी का डाला है और लो फ्लेम पर हम इसको आठ से दस मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे और जब तक हम रसमलाई की बॉल्स रेडी कर लेते हैं और हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसकी मैं बॉल्स रेडी कर लूँगी हाथों की मदद से हमने ये बॉल रेडी करनी है और इसको प्रेस कर लेना है और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी लगा लेंगे तो इसी तरह मैं सारी बॉल्स रेडी कर लूँगी शीरा हमारा रेडी हो चुका है अब इसमें मैं बॉल्स डाल दूँगी बहुत एहतियात से हमने बॉल्स जो रेडी की हैं हमने शीरे में डालनी है ताकि ये टूटे नहीं बहुत आसान सी और सिंपल और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है लेकिन इसमें ट्रिक बहुत ज़रूरी है बॉल्स बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए इसको बहुत एहतियात से हमने बॉयल करनी है और इसमें स्पून हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है अगर आपकी रसमलाई की बॉल्स टूट जाती हैं तो आप इसका मिक्सचर जब रेडी करें तो उसमें वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का मिक्स कर लीजिएगा तो यहाँ पे आठ से दस मिनट हो चुके हैं और बॉल्स हमारी कुक हो रही हैं फ्लेम हमने लो रखनी है और यहाँ पर हमारा दूध भी लो फ्लेम पर कुक हो रहा है और इसमें टू टेबल स्पून में बारीक बादाम और पिस्ते काट कर डाल दूंगी फोर्टी फाइव मिनट हो चुके हैं दूध को लो फ्लेम पर पकते हुए और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं तो रस मलाई हो चुकी है हमारी रेडी और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और बहुत आराम से एहतियात से बहुत प्यार से हम इसमें बॉल्स डालते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई की बॉल्स बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं और ये रेडी हो चुकी हैं अब इसके ऊपर से भी दूध डाल दूंगी मैं और अब हम इस पे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते भी डाल देंगे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ख़ूबसूरत सी हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी है और इस पे चांदी के वर्क भी लगा दूंगी तो देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी रसमलाई रेडी हुई है आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं और अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए तकरीबन दो घंटे के लिए रख देंगे दो घंटे हो चुके हैं अब आपको मैं टेस्ट करके बताती हूं तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हमारी रसमलाई रेडी हुई है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फीडबैक दीजिएगा लाइक और कमेंट्स करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा बहुत मज़ेदार हमारी रसमलाई रेडी हुई है तो आप भी ये रसमलाई ज़रूर बनाइएगा अपनी फ़ैमिली को खिलाइएगा दावत में रखिएगा अपने गेस्ट को खिलाइएगा और मुझे दवाओं में याद रखिएगा तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़